सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने डॉक्टर रेड्डी स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2815 पे बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2810.75 है, स्टॉप लॉस आपको 2785 पे रखना है। पहला टारगेट 2845 और सेकेंड टारगेट 2875 पे रखना है। अगर आप डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 2825 पे बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2818.05 है, स्टॉप लॉस हमको 2795 पे रखना है। पहला टारगेट 2855 और सेकेंड टारगेट 2885 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट वन के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट टू पे मैंने ICICI बैंक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 455 पे बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 451.15 है, स्टॉप लॉस आपको 449 पे रखना है। पहला टारगेट 461 और सेकेंड टारगेट 467 पे रखना है। अगर आप ICICI बैंक का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 456 पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 452.25 है, स्टॉप लॉस आपको 450 पे रखना है। पहला टारगेट 462 और सेकेंड टारगेट 468 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट टू के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने टाइटन स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 1336 पे आप बाइंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1329.25 है, स्टॉप लॉस हमको 1324 पे रखना है। पहला टारगेट 1348 और सेकेंड टारगेट 1360 पे रखना है। अगर आप टाइटन का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 1345 पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1335.95 है, स्टॉप लॉस हमको 1329 पे रखना है। पहला टारगेट 1354 और सेकेंड टारगेट 1366 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट थ्री के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने विप्रो स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 254 पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 253.55 है, स्टॉप लॉस आपको 252 पे रखना है। पहला टारगेट 256 और सेकेंड टारगेट 258 पे रखना है। अगर आप विप्रो का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 254 पे आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 253.75 है, स्टॉप लॉस हमको 252 पे रखना है। पहला टारगेट 256 और सेकेंड टारगेट 258 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने बजाज फिनसर्व स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 7990 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजिशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 8008.85 है, स्टॉप लॉस हमको 8090 पे रखना है। पहला टारगेट 7890 और सेकेंड टारगेट 7790 पे रखना है।
अगर आप बजाज फिनसर्व का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो 8020 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 8035 है। स्टॉप लॉस हमको 8120 पे रखना है। पहला टारगेट 7920 और सेकेंड टारगेट 7820 पे रखना है। दोस्तों ये था ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांचों स्क्रिप्ट के अंदर चार स्क्रिप्ट पे मैंने बाइंग के लिए बताया है और एक स्क्रिप्ट पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे मूव करेंगे उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग हुआ है 11,624.40 पे हुआ है। अगर आपको इस पे बाइंग करना है आपको इसी लेवल पे वेट करना पड़ेगा। जब ये निफ्टी फ्यूचर 11,660 के आसपास आएगा तभी दोस्तों आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 11,610 पे रखना है। पहला टारगेट 11,710 और सेकेंड टारगेट 11,760 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 29,490 पे है। अगर आप ये बैंक निफ्टी फ्यूचर पे बाइंग करना चाहते हो जब भी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऊपर की तरफ जाएगा 29,600 के आसपास आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 29,400 पे रखना है। पहला टारगेट 29,800 और सेकेंड टारगेट 30,000 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो दोस्तों मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक सेफ हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने कंटिन्यूअसली 5-6 महीना से लाइव मार्केट में ट्रेड करके उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है और जिन लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी को लिए है और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से लाइव मार्केट में काम कर रहे उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इतना दिनों से मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी सारे ट्रेड किया है उसका रिजल्ट एक बार जान लेते हैं। दोस्तों मैंने हर दिन इसी कम्युनिटी टैब के अंदर इसका रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए 1,00,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये 1,00,000 इन्वेस्टमेंट पे ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से मई मंथ पे 18,141.75 के आसपास रिटर्न आया था जो कि 1,00,000 कैपिटल के ऊपर 18% से ज़्यादा रिटर्न है। और ये जून मंथ पे 17,747 का रिटर्न दिया था जो कि 17.80% का रिटर्न है। और जुलाई पे मार्केट साइडवाइज था फिर भी देखिए यहाँ पे 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। और अगस्त मंथ पे 16.30% का रिटर्न आया था। और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से सितंबर मंथ पे 14.57% का रिटर्न आया। और दोस्तों अभी अक्टूबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है तो देखिए दोस्तों अक्टूबर मंथ पे अभी तक हमारी लॉस चल रहा है लेकिन अभी तक इसी स्ट्रैटेजी के यूज करके हमारा कभी भी नेट लॉस नहीं आया है। तो दोस्तों अभी भी जितना ट्रेडिंग डे बचा है वो ट्रेडिंग डे के हिसाब से ही अक्टूबर मंथ पे 10-15% के आसपास रिटर्न आ सकता है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और इसी सेफ स्ट्रैटेजी पे मैंने ट्रेड करके महीना में 10-15% के आसपास रिटर्न कमाता हूँ। अगर आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप महीना में एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया है और ये चैनल का आर्ट पे भी मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया है तो ये व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।